गुजर रे बाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। जय हिंद वंदे मातरम। आज का वीडियो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, है ना, 10th वालों के लिए है ये वीडियो। चैप्टर एपी है, एक्सरसाइज नंबर है 5.3, है ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद है 15, 10 S10। S10 का मतलब होता है 10 पदों का जोड़फल। तो 10 पदों का जोड़फल है 125। अब हमें बताना है कि डी कितना होगा और इसका दसवां पद कितना होगा। हमें बताना है कि इसका डी कितना होगा यानी सार्व अंतर कितना होगा और इसका दसवां पद कितना होगा। तो चलिए विचार करते हैं इस पे, कैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा हम लोगों को। तो ध्यान देते रहिए। चूंकि A3 का मान 15 दिया है, यानी तीसरा पद है 15, तो इसको हम लिख सकते हैं A+2D। 3 है तो 2D, ध्यान रखिएगा, एक कम रहता है, 3 है ना, तो 2D 15। अब हम लिख सकते हैं A=15 और +2D बराबर के बाद गया तो -2D हो गया। अब इसको समीकरण 1 मान ली। पुनः प्रश्न में कह रहा है S10=125। S10 का मान 125 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होगा 10/2 × 2A + 10 − 1 × D = 125। अब इधर आ जाइए, है ना, 10/2 का मतलब हो गया 5 एंड 2A लिखिए, 2A, और 10 − 1 कितना हो गया 9D, और इक्वल टू हो गया आपका 125। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां ए होगा तहां ए के जगह हम कितना डाल देंगे, 15 − 2D, ए का मान 15 − 2D, तो 5 और 2, और ए का वैल्यू डाल दीजिए यहां से 15 − 2D, 15 − 2D, और +9D यहां वाला हम लिख दिए = 125। और ये 5 से कैंसिल कर दीजिए, 25 पचे का 125। अब यहां 2 × 15 है तो 30, और 2 × 2 तो हो गया आपका 2 × 2 = 4D, और +9D है ना, = 25। उसके बाद 30 लिख दीजिए, 9D है प्लस में, 4D है माइनस में, तो 9 को D में से 4 को D घट जाएगा, तो बच जाएगा कै गो डी, 5 को D, = 25। तो 5D बराबर हो जाएगा 25, और +30 उधर जाके -30, और 25 में 30 घटेगा तो माइनस में 5, 25 में 30 घटेगा तो माइनस में 5 होगा, छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटता है तो माइनस में आंसर होता है। अब क्या करिए, 5 से 5 को उड़ा दीजिए एक बार में, डी का मान -1, डी का मान -1, एक आंसर तो हो गया। अब कहता है A10 बताइए, है A10 बताइए, तो A10 का फॉर्मूला होगा A+9D। इसमें ए का वैल्यू हमें पता तो नहीं है, तो चलिए पहले ए का मान हम लोगों को निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं ए का मान। ए का मान है 15 − 2D, तो चूंकि ए बराबर क्या है 15 − 2D, तो 15 − 2 और डी के बाद -1, तो −−+15 = 17 हो गया। तो चलिए ए का वैल्यू हो गया हमारा 17, और
नाइन और डी का मान माइनस वन, तो 17 माइनस नौ में माइनस एक से गुना होगा तो माइनस नौ, 17 में से नौ घट गया था 8, ए वो आंसर हो गया आपका ये वाला, ए वो आंसर हो गया आपका ये वाला। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज रहेगा हमारे वीडियो में और आसानी से आसानी महसूस करेंगे आप मैथ को सीखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।